तो हम गलती से अगर उसको ऐड कर दें तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है फाइनल गुड्स फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर एडेड इन द नेशनल इनकम सो लेट अस नो द मीनिंग फर्स्ट कि कहां पे हमें आइडेंटिफाई uh, कैसे करना है कहां प्रॉब्लम आती है सो इंटरमीडिएट गुड्स को आपने दो तरह से आइडेंटिफाई करना है आइदर इट इज यूज अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है एग्जाम्पल इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ टी शर्ट आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ अ टी शर्ट सो so, टी शर्ट जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें कॉटन इस्तेमाल हुआ सो कॉटन इज यूज इन प्रोड्यूसिंग द टी शर्ट सो कॉटन बिकम्स एन इंटरमीडिएट गुड सिमिलरली फेमस सर्विस प्रोवाइडर इफ अ स्कूल स्कूल प्रोवाइड सर्विसेज, अ हेल्थ हॉस्पिटल इज अ सर्विस सो उसको सर्विस प्रोवाइड करते हुए हम नर्सिस की यूनिफॉर्म यूज करते हैं नर्सेस को यूनिफॉर्म मिलती है और वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर स्कूल में चौकस और डस्टर यूज होते हैं टीचर्स आर यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस सो देर फोर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड सो इंटरमीडिएट गुड इज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है सेकेंड जो डेफिनेशन है इंटरमीडिएट की सेकेंड हम कैसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ एनी गुड इज अ डीलर अ रिटेलर होलसेलर डीलर इीसेलो इंटरमीडिएट अब इंटरमीडिएट ना ऐड करने का रेलिवेंस इंटरमीडिएट लीड्स टू डबल काउंटिंग सो व्हेन समथिंग इज बॉट फॉर रीसेल इफ यू एडिट वंस विद होलसेलर एंड देन अगेन एडिट विदेलर और द कंज्यूमर इट बिकम्स डबल काउंटिंग सो वी डोंट एड री वाली चीजें तो इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज देखनी है वन इट हैज टू बी यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मे बी एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स इट इज यूज अप सो इंटरमीडिएट और एनीथिंग बॉट फॉर रीसेल कमिंग टू द फाइनल गुड अगेन टू टू वेज टू आइडेंटिफाई फाइनल गुड वन अगर हम लोग हाउस होल्ड लोग उसे कंज्यूम कर जाते हैं हमने कुछ खरीदा हम खा गए लैपटॉप खरीदा हमने यूज किया मोबाइल फोन खरीदा कंज्यूमर ने यूज किया हाउस होल्ड डायरेक्टली जो भी चीज खरीदता है हम अपने घर के लिए खरीदते हैं वो सब फाइनल गुड होती है सो हाउस होल्ड एनीथिंग बॉट बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इज अ फाइनल गुड और फाइनल एक्सपेंडिचर सेकेंडली एनीथिंग बॉट बाय फर्म्स जब कोई फर्म लॉन्ग टर्म यूज के लिए कोई चीज खरीदती है फॉर एग्जाम्पल अ मशीनरी फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके लिए मशीन फाइनल गुड है क्योंकि वो मशीन चलते चलते यूज अप नहीं हो जाती है इट इज नॉट यूज अप इन प्रोड्यूसिंग अ टी शर्ट इट इज मेकिंग अ टी शर्ट सो इट्स अ लॉन्ग टर्म यूज तो इसमें हम फाइनल तो फाइनल को हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेता डायरेक्टली और इट इज बॉट बाय अ फर्म फॉर लॉन्ग टर्म यूज बा जो फर्म जो जो भी चीज खरीदती चीजें आपको क्वेश्चन में आती है जो फर्म ने खरीदी है वो इंटरमीडिएट होती है पर आपको चेक करना है कि उसका पीरियड ऑफ यूज कितना है अगर लॉन्ग टर्म यूज है तो ऑफकोर्स दैट इज अ फाइनल गुड कमिंग टू यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद विद्जाम्पल

इंटरमीडिएट so, माना जाता है नॉट एडिट इन द नेशनल इनकम परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बायरल स्टोर अब कंफ्यूज परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर इट द स्टोर इज नॉट सेलिंग इट फर्दर सो इट इज यूज एज अग टर्म वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए दूध खराब ना हो जाए तो वो उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा फॉर इज लॉन्ग टर्म यूज सो इट इज नॉट इंटरमीडिएट इट इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड

जो बीस रुपए की आपको मिलती है उसके अंदर उस शुगर की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो शुगर परचेज बाय टी शॉप ओनर और स्वीट स्वीट शॉप ओनर वो सब क्या होते हैं इंटरमीडिएट बट सेम चीनी सेम नमक जब हम घर में खरीदते हैं दैट बिकम्स अ फाइनल गुड So that is added in the national income and all the intermediate expenditures are not added. I hope the topic is clear now. And students, if you want to practice some tests and you're going to uh, download some free worksheets, go to EcoVisioner app and download it from there. And teachers, if you want to register your school for the next coming session for EcoVisioner Olympiad and get everything free for a year, then you can contact me on 9891203546. All the best for your board exams.